Priya Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सपोज इंडिया में। मैं हूँ सोनाली तोमर। देश में लगातार हो रही दुष्कर्म की घिनौनी वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही। वहीं इन मामलों पर जहां देश की अस्मिता को ठेस पहुंच रही है, तो वहीं पुलिस भी इन मामलों पर सुस्त दिखाई दे रही है। जहां एक और देश में आए दिन दुष्कर्म जैसी वारदातों पर कड़े से कड़े कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन दुष्कर्म की घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हालिया मामला दिल्ली के मंडावली इलाके का है, जहां एक शादीशुदा महिला को नौकरी देने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और आरोपी अब तक फरार है। राजधानी दिल्ली के पूर्वी इलाके मंडावली में महिला को नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। इस मामले में महिला द्वारा केस दर्ज करने के बाद आरोपी की पहचान राजेश कुमार जैन के रूप में हुई। आरोपी राजेश जैन ने महिला को अपनी कंपनी कॉमन सेंस में नौकरी देने के नाम पर मिलने के लिए बुलाया था। घर उन्होंने वहीं बताया कि तुम कहाँ रहती हो, मैं से पूछा। मैंने कहा सर मैं ये रामनगर रहती हूँ। तो कहने लगा अच्छा, ये तो तुम मेरे घर के पास ही रहती हो, तुम्हारा घर तो मेरे घर के पास है, जब भी तुम्हें आना हो तो तुम सीधा घर ही आना, ऑफिस मत आना, घर यहाँ से दूर पड़ेगा और जो भी बात करेंगे अब घर ही करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर। मेरे पे उस टाइम सर नौकरी नहीं थी, मेरे पे इतने पैसे वैसे भी नहीं थे कि मैं बार बार किराया भाड़ा खर्च कर सकूँ। मैंने कहा पास में है, चलो यहीं कहीं बात हो जाएगी, फिर ज्वाइनिंग बाद में हो जाएगी। महिला ने कुछ वर्षों पहले ही लव मैरिज की थी, लेकिन एक साल बाद दोनों अलग हो गए और बीते 1.5 साल से वह अपने मायके में रह रही थी। महिला को नौकरी की तलाश में इंटरनेट पर इस जॉब की जानकारी मिली, जिसके बाद वह इंटरव्यू देने पांडव नगर स्थित कंपनी में पहुंची, जहां आरोपी राजेश ने उसे रात को मिलने के लिए बुलाया। सर नौकरी की बात करते करते ऑफिस में दो बार गई, दो तो तीसरी बार उन्होंने घर बुलाया। घर बुला के कहने लगे हम यहाँ बात नहीं करेंगे, घर करेंगे, घर आप आओ। रात के समय उन्होंने 9 से 9:30 के बीच में मुझे बुलाया, वहाँ मेरे से बात करी। पीड़ित के अनुसार आरोपी राजेश ने मामला दर्ज होने से पहले ही पुलिस में अपनी धाक के नाम पर इस केस को दबाने की कोशिश की। दरअसल मंडावली थाने से पीड़िता को संदीप नाम के एक पुलिसकर्मी का फोन आया और उसने उसे थाने बुलाया। संदीप ने पीड़िता को जेल में बंद करने की धमकी देते हुए पीड़िता से अपने हिसाब से बयान लिखवा लिया। गौरतलब है कि 9 अगस्त को पीड़िता ने मंडावली थाना में FIR दर्ज कराई, जिसका FIR नंबर है 0220। गौरतलब है कि FIR दर्ज हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन आरोपी अब तक फरार है। महिला का आरोप है कि पुलिस इस केस में लापरवाही बरत रही है और महिला के साथ बदसलूकी भी कर रही है। निकाह सर एक हफ्ते तक चक्कर कटाए इन लोगों ने, सुबह से हम 9 बजे से आ रहे हैं, 8 बजे से क्या ही हो आ रही और रात को जा रहे हैं, वो कभी कहीं निकल जाती है। एक हफ्ते तक हम यहाँ भूखे प्यासे बहनें दोनों बैठी रह जाती थी है, कभी कमरे में बुला के टॉर्चर करते थे, उल्टा सीधा बोलते थे। और ममता अग्रवाल एक आई वो चलाती NGO, वो भी बीच में आई, उन्होंने मेरे साथ भी यहाँ बहुत बुरी तरह बर्ताव करा। सीनियर अधिकारी से शिकायत नहीं करी आपने? सब करी सर, मैं कोई सुनवाई मेरी नहीं हुई कहीं से कहीं तक भी। देश की राजधानी दिल्ली, जहां सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होने का दावा किया जाता है, लेकिन दिल्ली के मंडावली इलाके में नौकरी का झांसा देकर जिस तरह एक महिला की अस्मत लूटी जाती है, वो दिल्ली पुलिस की नाकामी को दिखाती है। साथ ही ऐसी घटनाएं पुलिस के उन दावों की भी हवा निकाल कर रख देती हैं जो सुरक्षा का खोखला ढोल पीटती हैं। एक्सपोज इंडिया के लिए दिल्ली से सत्येंद्र शर्मा की रिपोर्ट।